क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सुरेश झा है। सुरेश जी, क्या फ़ोन आया था और मौके पर आप गए तो क्या दिखा? सुबह मेरे को फ्रेंड महतो ने फ़ोन किया था कि भैया बालू वाले जो लोग बालू का अवैध परिवहन कर रहे हैं, जो मेरी गाड़ी से बालू निकाल के लेके जा रहे हैं, मेरी गाड़ी को तहस नहस कर रहे हैं, मना कर रहा हूँ, तो मेरे को भी मार रहे हैं, आप जल्दी आओ भैया मेरे को बचाओ। तो मैं उस समय अपने घर में था, घर से जब तक मैं नदी पहुंचा और उसकी बाड़ी तक पहुंचा, मैं दूर से देखा कि करीब करीब 20-25 लोग इसको मार रहे थे और भी हम लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे थे। तो जब हम लोग को लोग आते देखे तो लोग भाग गए। दूर से ऐसा देखने में लग रहा था कि किसी डंडा, बड़े बड़े रॉड डंडे या वो और बेलचा वगैरह रखे हुए थे लोग, उससे उसको मार रहे थे। जब मैं इसके पास पहुँचा तब ये गिर गया, उसके पास पहुँचा तो ये गिरा हुआ था और लहूलुहान था। वहाँ से फिर इसको उठा के हम लोग, क्या था, लहूलुहान था। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो ये गिर गया था वहाँ पर और लहूलुहान था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके सिर से ब्लड बहुत बह रहा था, तो मैंने अपना गमछा निकाला और किसी पे बांधा। फिर वहाँ से और दो तीन भाई लोग आए, फिर हम इसको लेके पहले कोतवाली गए, वहाँ से रिपोर्ट लिखवा के धर्म हॉस्पिटल गए। धर्म हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे टाकाओं का लगाने के लिए, तो उनको यहाँ 100 बेड पे लेके आए। स्थिति उनकी बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और डॉक्टर साहब भी बोले हैं कि उनको एडमिट करना पड़ेगा, अभी कॉन्शियस में भी नहीं है। और किसका काम चलता है और कब से चल रहा है वहाँ? बहुत दिनों से क्या बोलते हैं तो अवैध बालू चल रहा है। उसमें पत्रा, जैसे भाई ने मुझे बताया था कि बतरा ट्रेडर वाले लोग जो हैं, बतरा ट्रेडर्स वाले उन लोग हैं, उन लोग थे वहाँ पर, और भी कुछ लोग थे जो बालू का अवैध परिवहन करते हैं। बतरा ट्रेडर्स वाले का नाम उसने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि बतरा ट्रेडर्स वाले थे, उन्हीं लोग उन्होंने पहले इसके हाथ में